अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर है ज़बरदस्त रिव्यू के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वाड बाइक मेरे पास टाइम स्टॉक में मौजूद है। R3 150cc कैटेगरी के अंदर क्वाड बाइक है, नई शेप के अंदर है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर आने वाले जितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह के ज़बरदस्त रिव्यूज़ आपको हमारे चैनल पर मिलते रहें। इस क्वाड बाइक की क्या क्वालिटी है डिस्कस करते हैं वीडियो में। जी व्यूअर्स, ये जो है हमारे पास 150cc में R3 रैप्टर है। क्लोजर में आपको चेक कराते हैं। सबसे पहले जो रेड कलर स्कीम है हमारे पास, स्कॉर्पियन रेड कलर स्कीम है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कलर स्कीम है और इसके साथ ही हमारे पास ब्लैक स्पाइडर में भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी फ्रंट लुक से। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रंट लाइट्स बनाई गई हैं, ड्यूल लाइट्स के ऊपर लगी हुई दोनों साइड्स के ऊपर, और ऑन करके भी आपको चेक करवा देते हैं इसकी लाइट्स। ये इसकी लाइट हैं जो कि लो एंड हाई बीम के साथ लाइट्स आती हैं, और इसके साथ ही प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट के ऊपर भी काफ़ी सॉलिड किस्म का इसकी ग्रिल लगी है और रियर के ऊपर भी लगी हुई है। फ्रंट के ऊपर हाइड्रोलिक शॉक सस्पेंशन दोनों साइड के ऊपर लगी हुई है। इसके साथ ही जो इसका नए मॉडल के अंदर फ्रेम गेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का फ्रेम इसके ऊपर लगाया गया ताकि मोस्टली ये ऑफ रोडिंग के लिए जीप यूज़ की जाती है, तो उस वाले से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। टायर जो है इसमें आपको दोनों अवेलेबल हैं, स्पोर्ट्स पैटर्न भी और ड्यूल स्पोर्ट्स भी दोनों इसके ऊपर लगे हैं। जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप ईजिली कर सकते हैं। अभी जो आपको मैं इसका टायर साइज़ क्लोजअप में चेक करवा देता हूँ। इसका जो फ्रंट के ऊपर टायर साइज़ है 9x7-8। अलॉय रिम्स जो फ्रंट एंड बैक है सेम है, 8 इंच के फ्रंट का टायर साइज़ है वो 19x7 का फ्रंट के ऊपर टायर लगा हुआ है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का टायर है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है। और अभी जो है दूसरा वो भी आपको क्लोजअप भी चेक करवाता हूँ ब्लैक में भी। इसके ऊपर भी जो टायर है ये ड्यूल स्पोर्ट्स है, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रंट के ऊपर जो है हमें ड्यूल डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ, और शॉक सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है इसकी बाइक की। बाकी जो है इस बाइक के बात करें फ्यूल टैंक स्टोरेज की, तो इसके अंदर तकरीबन 4 लीटर तक मैक्सिमम फ्यूल स्टोरेज आप इसके अंदर कर सकते हैं। और बात करें इसके इंजन की तो 150cc कैटेगरी के अंदर इंजन है जिसके अंदर हमें 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर ट्रांसमिशन मिल जाती है। यूरो 2 बेस करता है और 1 लीटर के अंदर तकरीबन 40-45 किलोमीटर की एवरेज हमें मिल जाती है। राइडर जो है इसके ऊपर अडल्ट जो है इजीली एक बंदा इसके ऊपर इजीली बैठ सकता है, बच्चे 2 भी बैठ सकते हैं, 2 बच्चे बैठे हैं। पीछे इन्होंने ग्रैब रेल भी दी हुई है बच्चों को बैठने के लिए, और सिंगल जो राइडर है वो आपको बैठ के दिखा देता हूँ। अडल्ट इजीली इसके ऊपर बैठ सकता है और काफ़ी अच्छी जो है इसकी हैंडलिंग भी है। और दूसरा यहाँ पर जो फ्रेम है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का सॉलिड फ्रेम लगाया, अगर आप ऑफ रोडिंग के दौरान इसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा फ्रेम है जो कि इसका आपका जो लोड है वो ईज़िली बर्दाश्त कर सकता है। इसके साथ ही बैक पर बात करें तो बैक के ऊपर हमें सिंगल शॉक्स मिल जाता है, एडजस्टेबल शॉक्स है जिसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट मौजूद है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप शॉक्स को इजीली जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। और रियर के ऊपर सिंगल डिस्क है, सिंगल पिस्टन कैलिबर, ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम इसके ऊपर लगा है। इसको स्टार्ट करता हूँ, इसकी साउंड आपको सुनवा देता हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी अच्छी अट्रैक्टिव किस्म की साउंड है। और अभी एक इसकी टेस्ट राइड देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं किस टाइप की परफॉर्मेंस है। तो बढ़ते हैं टेस्ट राइड की जाने।
तो जी भाई, ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर आपको 150cc R3 मॉडल के बारे में कंप्लीट डिटेल दी है। वीडियो कैसी लगी उस वाले से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और आपको कौन सी कलर स्कीम अच्छी लगी है, रेड स्कॉर्पियन में ब्लैक स्पाइडर कलर स्कीम अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। और जैसा कि आपको बोला था वीडियो के एंड में इसकी प्राइस डिस्कस करेंगे, तो इस खूबसूरत मॉडल की जो प्राइस है वो 335 है। और इसके साथ ही हमारी डिलीवरी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद। अगर आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, ये क्वाड बाइक आप चाहते हैं, तो ईजिली इसको डिलीवर भी करा सकते हैं। बाकी रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो हमारा आउटलेट न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी मेन मरी रोड वारिस खान स्टॉप पर लोकेटेड है। आप विजिट करके भी इसकी कंप्लीट वैरायटी रेंज आप हमारे जो है शोरूम पे देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमारा दस सोशल मीडिया लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलेगा। तो इसके साथ ही फैसल मुगल को ज़्यादा दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।